कहती हैं सहज ते चंचल नयन। प्रिया जी का तो सहज चंचल नयन, चंचल नयन प्रिया जी का नेत्र है। और तुम कहते हो ये तुम्हारी गलती है, ललिता इंगित जानी से अवसरेर जानी। सखी मंजरिया कह रहे हैं क्या ललिता जी की इस इंगित को समझ करके सब सखिया एक स्वर से कहने लगी, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी गड़बड़ी, हमारी प्रिया जी की कोई गड़बड़ी, तुम अपने नेत्र को संभालो, हमारे प्रिया जी का नेत्र तो हमेशा चंचल, इनमें क्यों दोष देख रहा है। अब तुमको ये कहने से काम नहीं चलेगा, अब हार गया है तुमको मुरली देना पड़ेगा, अब ये सब बात नहीं चल, अब तुम किसी भी तरह तुम्हारे मुरली को हम लोग तो लूंगी, और उस जबरदस्ती मुरली को लेकर के तुम विद्या के हाथ में दे, और दे करके सब सखियां अपने वस्त्र से मुंह को ढक करके मधुर मधुर मुस्कुराने लगी। अब तुझको पन्न तो देना पड़ेगा दाव, वे हार गए हो, इस प्रकार कहने लगी, इंदुलेखा से कहने लगी, अरे इंदुलेखा तुम इसका पन्न ले लो। तो श्याम सुंदर कहे कि कुछ भी हो जाए मैं तो दूंगा नहीं, अब बंसी को देने वाला नहीं। तो कहे कि ठीक है तुम बंसी नहीं देगा तो इसके बदले में कुछ दे दो, बंसी के बिना तुझको नींद नहीं आएगी, बेहोश हो जाओगे, तो इसके बदले में तुम जो इच्छा वो दे दो। तो क्या देंगे, तो इसके बदले में इस ब्राह्मण को ही दे दो, तुम्हारे साथ मंगल रहता है, उसी को दे दो, मधु मंगल जब सुना कि ये तो हमको ही दाव पर रखना चाहती है, तब तो मधु मंगल वहां से चला, दासुनी पलाय बटू कही बे बचन पटू। यह सुनकर के मधु मंगल चला भाग और कहा कि आमा धरे हेल कौन जान, कौन उसको पकड़ लेता है देखता। अच्छा, सखियों से तो तेज मधुमंगल है नहीं। इस प्रकार जब चैलेंज किया कि देखता हूं कौन हमको पकड़ता है। अब तो ता सुनी पलाय पटु कहिबे बचन पटु आमा धरे है कौन जन, तो सखी गणे से बटुरे धारिबे कुतुहा। सखियां जबरदस्ती कुतुहल पूर्वक दौड़ करना है, वो तो दौड़ने का लगा, ये तो बुद्धि से पकड़ना, तो खेल खेल में उसको पकड़, मधुमंगल को पकड़, अब पकड़ करके बहुत प्रकार के उसके साथ खिलवाड़ सखियां पकड़। अब प्यारे श्याम सुंदर देखने लगे कि हमारे साथी को ये तो बहुत छटा रही, बहुत कष्ट दे रही है, उसको इतना खिलवाड़ खिलवाई, और प्यारे श्याम सुंदर आए से और शरीर हरी हे धनी तुम्हार धरी मुह पद में करीबे चुंबन। अब प्यारे श्याम सुंदर सोचे कि इसको कैसे हम हटाए पकड़े, इसको तो छुड़ाना चाहिए। तो प्यारे श्याम सुंदर पकड़ करके प्रिया जी के आगे कत कुतहल करी बसिया सुंदरी गोरी कांताली सहित वेदी, उस दिव्यमय वेदी स्वर्णमय वेदी के ऊपर प्रिया जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर का जो विहार हुआ, उस विहार को देख करके सखियां जिस लक्ष्य से खेल खेली थी और उनको मिल गया प्रियालाल का नित्य विहार, मधुमंगल तो बन गया। आचार्य चरण कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी क्या है, इस रहस्य को मैं जब देखा तो पुलकित अंग भैया, हमारा शरीर रोमांच हो गया, तांबुल बिटिका लिया, तांबुल लेकर के मैं प्रिया जी को कब मैं खिलाऊं, दोहार मुखर जुगाई हो प्रिया लाल के उस तांबुल खिलाएगी और व्यजन लिया कर, और दो सेवा है, तांबुल सेवा और बीजन सेवा,
पंखा से कर। मैं दीनहीन दासी इस रस में मैं कैसे प्रवेश करूं? ये लीला जो अद्भुत प्रियालाल की लीला है, पासा खेली, पासा खेल, कैसा खेल, पासा खेलत है किए गया है। निकुंज में दुल्हा दुल्हन सरकार, जनकपुर में जानकी महल में एक पासा घर है। जब किशोरी जी की दुल्हा दुल्हन की शादी हुई सीताराम सरकार की, तो यहाँ पर निकुंज है, वहाँ पर कोहबर है, कोहबर भी है। तो प्रियालाल पासा खेल रहे हैं। ये खेलने का क्या, किस लिए खेल रहे हैं? तो कृष्ण लागी आज सब करी परित्याग, ये ब्रज गोपियाँ सब कुछ परित्याग करके प्यारे श्याम सुंदर को सुख देना चाहती हैं। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, इन सब लीलाओं के द्वारा प्रियालाल को प्रसन्न करना ही गोपियों का सर्वोपरि खेल है। एक खेल है, खेलते रहते हैं। हे सखी रूप मंजरी, यदि वे सुदेवी ब्रज में सुनैनी गोकुल सुंदरियों की सभा में मुझे उत्कृष्ट पास क्रीड़ा के नियम सिखलाए। देखिए, यदि हम लोग सीखेंगे नहीं तो वहां पर कैसे काम चलेगा? सीखना पड़ेगा ना। सीखना यही है कि प्रत्येक क्रिया के द्वारा अपने प्यारे को प्रसन्न करना, प्रिया जी को खुश रखना। राधा गोविंद जीतने की इच्छा से पूर्ण पासा खेल में नेत्र भंगिमा के द्वारा प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को हराई है। इस लीला को मैं कब दर्शन करूंगी, कब इसका अनुभव? यही पर आचार्य चरण कहते हैं, जित्वा पासक खेलाया, पास खेल में जीत करके आछेद्य मुरली महरे, प्यारे श्याम सुंदर के मुरली को हरण कर लिए। अछित्वा मई त्वया देवी, कपटता पूर्वक उसको छीन करके गोपयिष्यामि ताम कदा, ताम कदा गोपयिष्यामि, उस मुरली को मैं कब गोपी शर्मा ने छिपाऊ। यह कहकर इशारे से ललिता को दिखा देती है, इशारा कर रही है, ललिता जी ने ले लिया। ललिता के निकट खोज प्रारंभ हुई है, ये ललिता रखी है। ललिता ने बता दिया, देखिए सुख विशाखा को, विशाखा ने बता दिया तुम विद्या को, तुम विद्या ने चंपक लता को, चंपक लता कहने मेरे पास नहीं है, रंग देवी के पास है, रंग देवी कही सब कुट श्याम सुंदर हमारी मुरली देवी। जैसे पत्नियों के हंस प्यारे श्याम सुंदर अली बन करके सबका गुंजन कर रहे हैं, सबका रस दे रहे हैं श्याम सुंदर, अब उनकी आनंद की सीमा न रही, सहसा स्फूर्ति में विराम हुआ। कृष्ण पराजित करी पासों को खिलाए, बले हरि निवेतार मुरली तोराए। कृष्ण के पराजित करके पास खेला में प्रिया जी ने मुरली को हरण कर, अब मुरली हरण करके इंगित की और तुलसी मंजरी ने उसको क्षेपण कर कवितार लय देवी करी बगुपन। कब मैं इस लीला रहस्य को मैं गोपन करूंगी, छिपाऊंगी, छिपा करके लीला करूंगी। गोपी का अर्थ ही होता है गोपने प्रीति पर, कि गोपियां क्या करती हैं, छिप करके प्रेम करती। प्रियालाल का जो नित्य विहार है, नित्य लीला है, जो तैल धारावत महात्मा लोग इस रस का स्वादन करते हैं, लेकिन छिप कर प्रकट नहीं। आज भी लीला चल रही, प्यारे श्याम सुंदर रोज नंदगांव से वृंदावन में आते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, राधा कुंड जाते हैं, प्रिया जी भी जाती है,
आज भी वृंदावन में रोज रास प्रतिदिन। वर्तमान काल के जो संत हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, उस लीला में प्रवेश भी करते हैं, उस लीला का चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन ये सब क्रिया होती है छिप कर। प्रेम को जितना छिपाया जाता है उतना रस का स्वादन होता है, प्रेम का प्रचार नहीं होता। गोपियों का अर्थ यही है, गोपी का अर्थ होता है कि छिप करके गोपनीयता से प्यार करती है, वो गोपी छिप करके सेवा करना, सेवा करना लेकिन जाने भी नहीं और उसकी सेवा कर। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की सेवा की, लोकनाथ गोस्वामी को पता ही नहीं चला कि मेरा सेवा कौन करना है। यह जना कर जो सेवा करता है उसकी कीर्ति की इच्छा है कि जिसकी सेवा कर रहा हूँ जान जाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं है। लेकिन गोपियाँ सेवा करती हैं लेकिन छिप करके, प्यारे श्याम सुंदर को पता न चल जाए कि मैं उनकी सेवा की, यही है गोपी भाव। गोपी भाव का अर्थ होता है अपने सेवा को छिपा देना, दिखाना मत। और इस तरह यदि कि कोई सेवा करता है तो उस सेवा से भगवान प्यारे मिल जाते। बलि महाराज ने सर्वस्व त्याग किया, सब कुछ दे दिया ना भगवान, उसके बदले में भगवान को नौकर बनाकर आज तक रखे। भगवान क्या है? द्वारपाल। बलि ने सेवा ठाकुर जी की, सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन उसके बदले में भगवान को आज तक भरना पड़ा। जिस गेट से निकलते हैं बलि महाराज वही देखते हैं भगवान गेट कीपर बनकर द्वार पार बनकर के खड़े। लेकिन गोपियां सर्वस्व सुख दी, सब कुछ दी, देते देते थकी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं, यही है प्रेम। देने के बाद सेवा करने के बाद भी अतृप्ति बने रहे, मैं सेवा तो कुछ किया नहीं, सेवा उसी को कर, सेवा करके जना दे मैं तुम्हारी सेवा किया है तो सेवा का फल तो तत्काल ले लिया। लेकिन यह भक्ति मार्ग एक ऐसा है कि सेवा करने के बाद भी अतृप्ति बनी रहे, अरे मैं तो कुछ की नहीं, कब करूंगी, यही है सेवा। सदा चाहती रहती हूँ मैं क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती तुम ही हो वह मेरा धन। फिर देती देती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं, यही है प्रेम। प्रेम में थोड़ा सा भी अपना कुछ, प्रेम करने के बाद सोचे कि मैं जिसका प्रेम किया है वो क्यों प्रशंसा कर दे तो फिर सेवा का फल चला गया, या भी नहीं नेकी कर कूड़े में डाल, किसी की सेवा की दिया और सेवा के बदले में कह दू मैं तुम्हारी ये सेवा किया हूं, बस गया काम से हो गया। गोपी भाव की सेवा यही है, सेवा करो लेकिन लगे कि मैं कुछ सेवा नहीं, कुछ तो सेवा ले ली, हमारा प्रेमास्पद हमारा सेवा स्वीकार कर लिया, अर्थात तो कितना बड़ा काम कर दिया मैं तुम्हारी गई। सेवा करने के बावजूद भी लगा कि मैं कुछ सेवा नहीं। एक संसार में भी देखा जाता है माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, सेवा कितना करती है माँ, लेकिन चाह कुछ नहीं। संसार में भी कुछ कुछ मैं ऐसे कहेंगे कि माँ भी सोचती होगी कि मैं सेवा करी हूँ तो बूढ़ा होने पर मेरा सेवा करे, लेकिन उस समय माँ कहाँ सोचती है कि बूढ़ा होने पर सेवा करे या ना करे, वो तो निस्वार्थ रूप से अपने बेटे की सेवा करे। सेवा करना है तो एक सुख है, ये भी तो सुख है।
माँ को कह दिया जाए कि तुम हमारे बच्चे को कोई दूसरा सेवा कर लेगा, तुम निश्चिंत रहो, तो रह पाएगी? सेवा में तो अद्भुत सुख है, गोपी भाव है, वही गोपी प्रेम, तत् सुखे सुखित्वम्। प्रेमराज की सेवा है, सेवा करते करते करते, देखो सेवा करने में कभी थकान नहीं है, काम करने में थकान हो जाए। यदि हम अपने प्यारे जहाँ हमारा मन है, चित्त है, बुद्धि है, शरीर है, वैसे प्यारे की सेवा मिल जाए तो सेवा भार नहीं है, सेवा आनंद है। सबसे श्रेष्ठ महापुरुष लोग इसी को माने, सबसे बड़ा है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद के बाद भी है, ब्रह्मानंद के बाद है प्रेमानंद, और प्रेमानंद से भी श्रेष्ठ है सेवानंद, प्रेम से भी श्रेष्ठ है सेवा। असखी मंजरियों का सबसे बड़ा यही है, सेवा सेवा सेवा। निकुंज में सब खेल होता है, जल के लिए होता है, अमृत के लिए होता है, लुका छिपी होता है, बहुत कुछ खेल होता है, लेकिन खेल का केवल एकमात्र लक्ष्य है अपने प्यारे को प्रसन्न करना, प्रिय जी को प्रसन्न, लक्ष्य प्रेम इसी को। हमारे सेवा से प्रिया जी प्रसन्न हो जाए। सेवा में सर्वस्व त्याग है, सेवा में कुछ लेने की इच्छा से सेवा करेंगे तो सेवा नहीं। तो ये सेवा का रहस्य केवल गोपियां जानती हैं। इस विषय में गोपियां सर्वोत्तम उत्कृष्ट कक्षा में, जितने भी संसार में महात्मा बने, भक्त बने, रामावतार में, वराह अवतार में, नृसिंहावतार में, जितने भी भक्त हुए, जितने भी सेवक श्री कृष्ण के हुए, उन समस्त सेवकों में सबसे श्रेष्ठ सेवक थे गोपियां। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है, जथा ब्रज गोपी का सेवा कौन किया कृष्ण की, तो गोपियां सेवा, गोपियों के अतिरिक्त कोई सेवा नहीं। इसीलिए इतना सेवा करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों से हार गए, यहाँ तक कह दिए कि न पा रहे हम निर्बद्ध संजया, मैं ब्रह्मा का उम्र लेकर भी हे गोपियां तुम्हारे ऋण के बदले में मैं कुछ देना चाहूं तो नहीं दे सकता। श्री कृष्ण गोपियों का ऋणी बन गए, हम ऋणी बन गए, यही है गोपी भाव की सेवा, यही है पासा खेल, ये पासा खेल है ना, अभी पासा खेलत है पिय प्यारी, सेवा सेवा। ओ प्रिया जी सोचती है मैं प्यारे श्याम सुंदर को सुख दे दूं, और श्याम सुंदर सोचते हैं कि मैं प्रिया जी को सुख दे दूं, इसी को अक्ष क्रिया, यही द्युत क्रिया, जुआ भी होता है इसको, जुआ भी कहते हैं, जुआ कहते हैं, जुआ कौन खेलता है, धूर्त लोग, धूर्त ना। निकुंज में धूर्त कौन है, तो प्रिया जी और प्यारे जी, ये धूर्त शिरोमणि संसार के धूर्त होते हैं कि ठग करके अपनी सेवा दे, आए धूर्त राज हैं ठग करके प्रिया जी को सेवा दे, प्रिया जी ठग करके प्यारे श्याम सुंदर को सेवा दे, ये धूर्त। इस धूर्तता पर मैं बलिहारी जाऊँ, ऐसी धूर्त हम लोग संसार के जितने धूर्त हैं, दूसरों को ठग कर सेवा अपना ले, उसका माल चोरी कर दिया, उसको धूर्त कर, लेकिन निकुंज में धूर्तता चलता है, ठग करके प्रिया जी को सुख दे, यही प्यारे से आप सुंदर का खेल, ठग करके सखी गोपियां प्रिया जी को सेवा दे देती, सेवा कर देती, श्याम सुंदर को सुख दे। ये नंद नंदन श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के ठग ठग करके लोगों को सुख पहुंचाते हैं, कोई सुख नहीं लेना चाहता है, इसी के लिए श्री कृष्ण कभी नाचने लग जाते हैं, नाच करके सुख देता है, हमारा कन्हैया है ना, नाचता है ब्रह्म, नाच नाच करके गैया को रिझाता है, मोर को रिझाता है, पशु पक्षियों को रिझाता है, ग्वाल बालों को रिझाता है, रिझाता नहीं सुख देता है, हमारा कन्हैया। गोपियां रोज
माखन बनाती हैं, दूध मत दही मत करके माखन निकालती हैं कि हमारे प्रभु कब आएंगे हमारे पास। और भगवान चोरी से सुखदेव, ये चोरी लीला, माखन चोरी लीला क्या है? गोपियों को सुखदेव आनंद, चोरी से जाएंगे और उसको सुख देकर के आएंगे। आज जिस दिन नहीं आएंगे तो गोपियां रोएंगी और उलाहना लेकर के यशोदा मैया के पास आए। और कोई तो चाहिए, अब किसी के घर में कोई स्त्री अकारण चले जाए तो खरा मानेंगे। तो गोपियां जाती हैं यशोदा जी के पास और यशोदा जी से कहती है, यदि सोचने लगे यशोदा की क्यों आई है, अगर ये पता चल जाए कि हमारे लाला को देखने के लिए आए तो और कौन खुल जाए। और जाती हैं केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन ऐसे जाएंगे तो पकड़ में आएंगे। तो गोपियां कहती हैं, हरी यशोदा वत्सान मुंचन क्वचित समय जात संजात हास। अब कोई बहाना खोजती है, लक्ष्य है दर्शन कृष्ण का। अजा करके कहती है, अरे यशोदे तुम्हारा लाला बहुत नटखट है। यशोदा जी को दुख लगा, किसको भी दुख लगेगा, हमारे लड़के को शिकायत कर रही है। तो यशोदा जी के पास आकर के कहती है कि तुम्हारा लड़का बहुत नटखट है। तो यशोदा जी कहती है, क्या करता है हमारा लड़का? तो कुछ तो बताना पड़ेगा। तब कहती है, बदसान मुंचन, हमारे बछड़ों को खोल दो। जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक के टीका में लिखते हैं, वत्सान जीवा मुंचयति। ये जीव अनादि काल से माया का धक्का खा रहा है और श्री कृष्ण एक बार मंत्र मुस्कान करके उसके माया का बंधन तोड़ देता है। वत्सान मुंचन, कटाओ माया के बंधन से, हटो आओ मेरे राज में। तो गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन, हमारे तुम्हारा लाला हमारे बछड़ों को खोल दे। तो गोपियां कहती है, तो अच्छा ही काम करता है, तो लोग बांधी रहती हो, ये बछड़ा खोल देता है, थोड़ा घुमा लेगा चढ़ा लेगा, तो अच्छा काम करता है। तो गोपियां सोची, और हम लोग क्या करें, हम लोग पकड़ में आ गए। तो कहते हैं, क्वचित असमय, अभी गैया दूही नहीं उसके पहले ही खोल देता है। तो यशोदा जी कही, अच्छा काम करता है, रोज रोज तुम गैया के दूध पीती है, एक दिन बछड़ा पी लिया, इसमें क्या? तो गोपियां कहती है, नहीं नहीं रोज रोज खोल देते। तो यशोदा जी कहे कि जब रोज खोलता है तो थोड़ा सा डांट दिया करो इसको। तो गोपियां कहती है कि हम लोग डांटे कैसे, क्रोध संजात हासन, जब हम लोग इस पर क्रोध करती हैं तो इतना जोर से ठहाका मार कर हंसता है कि उसके हंसी में हमारा क्रोध उड़ जाता है। हम क्रोध करना चाहती हैं, क्रोध उड़ जाते हैं, क्या करें? बात कर रही हैं यशोदा जी से गोपियां, अनेत्र है कर नहीं करते, तो फोल कहीं खोल जाए। हम समझ गोपी यदि यशोदा जी का आप समझ गए तुम लोग क्यों आई हमारे घर। बात तो कर रहे इधर और नेत्र से बार बार कह रहे से हम सुंदर तो देखते हैं। वो तो कहा, प्यारे श्याम सुंदर को देखने के लिए जा रही, तो बहाना लेकर जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं देखा हूं कृष्ण कभी चोर नहीं किया, चोरी किया ही नहीं। ये गोपियां कहती हैं चोर है, वो कहां चोरी किए, ये तो केवल बदनाम करती हैं कृष्ण को देखने के लिए। तो बदनाम क्यों करती हैं जानते हैं ना, ये गोपियां कृष्ण को बदनाम क्यों करती है? क्योंकि कृष्ण वृंदावन में आए हैं अपने आप को छिपाने के। मथुरा से वृंदावन क्यों आए? छिपने के लिए, कहीं कंस को पता न चल जाए, छिपने के लिए आए हैं। आए हैं परब्रह्म श्री कृष्ण, तो मथुरा वालों को यह न पता चल जाए कि ये नंद का छोरा है भगवान। तो गोपियां कहती हैं, जब श्री कृष्ण छिपना चाहती हैं एक पर्दा में तो डबल पर्दा डाल देती है। अरे भगवान कहते हो तो आदमी भी नहीं तो चोर है, और पर्दा डाल देती। तुम लोग कहते हो कि ये भगवान, हम कहते हैं कि भगवान तो छोड़े तो साधारण आदमी भी नहीं तो चोर है। ये है गोपियां क्या करती हैं कि भगवान अपने भजन को भी गुप्त रखती हैं और कृष्ण को भी छिपा कर रखती हैं। यही है गोपी।
अपने भजन को भी छिपाना और हम श्री कृष्ण से किस भाव से भजन करते हैं इसको भी छिपाना, यही है भक्त का काम। तो हमारा कन्हैया जो है केवल इसी लीला के द्वारा अपने भक्त को भी सुख देता है, गोपियों को सुख देता है। धूर्त शिरोमणि है ना श्री कृष्ण, हम सेवा समाज के कर रहे हैं लेकिन कोई जाने मत, जान जाएगा तो कौन खुल जाएगा, इसलिए छिपा करके ठाकुर जी की लीला करते। तो मुझे उत्कृष्ट उस पास पीड़ा के नियम सिखाओ, हम भी चोर, हम भी धूर्त कला सीखना चाहते हैं, हमें सिखला। तो पास खेल, ये पासा खेलने में सबसे शिरोमणि है ललिता जी सपना। ये प्रिया लाल को जो खिलाना है ना, तो इसमें प्रिया जी, प्यारे श्याम सुंदर दोनों को खिलाने में, दोनों को दक्ष बनाने में सखियां श्रेष्ठ, सखियां ही प्यारे श्याम सुंदर की लीला सिखलाती। अरे अरे कान्हा, अरे अरे राय, ललिता सखी कृष्ण को भी डांटती हैं और राधा रानी को भी डांटती, दोनों को डांटती। राधा रानी को कहते तुमको मान करने नहीं है, ऐसे करो। राधा रानी कहती हैं कि हम कैसे मान करूं, जब श्री कृष्ण सामने ना हो तब तक तो मैं मान कर लूंगी, लेकिन कृष्ण सामने आ जाए तो मुझे मान होगा नहीं, एक बार प्यारे श्याम सुंदर को देख लूं तो हमारे बस। तो ललिता सखी डांटती, तू सब खेल बिगाड़ देगी, अरे कुछ कृष्ण कुछ भी करे तुम अपना मान को रखो, बाहर जैसे मनाओ। ये है सखी शिक्षा, सखियां ईश्वरी जी को शिक्षा देती है। सखियां ही इस पास ठेला में बैठ करके प्रियालाल को बताती हैं, हराओ हारो जीतो, और फिर उस आनंद लीला में बिहार कराती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नाम नाम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ आनंद के लाल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा कौन कह सकता है, आप लोग किसके लाल हैं, आनंद के लाल हैं, तब दुख में क्यों ढूंढ रहे हैं। भगवान को कितना दुख लगता है, हम लोग आनंद के लाल। सच्चिदानंद तुम नित्य निर्द्वंद तुम, जीव माना आके विषयों में हो गया दीवाना। अरे तुम आनंद का लाल है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है। कौन है सच्चिदानंद स्वरूप, श्री कृष्ण के चिदघन अंश है। ओ आनंद के लाल, तुम कहां दौड़ रहा, कहां मृग मरीचिका में सुख भोगने के लिए, खोजने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। अब से भी अपने साम्राज्य में आ जाओ, अपने आनंद का लाला है तो आनंद के पास आ जाए। तो जीव कहता मैं कैसे आऊं, मैं तो फंस गया हूं संसार में, बेटा बेटी नौकरी पैसा बहुत दुख है ना,
हम लोग हैं आनंद के लाल पैसा के लिए रो रहे हैं, ठाकुर जी को कष्ट होगा कि नहीं? सुख के लिए कुल अभिराम नाम ले तेरे सब दुख दूर होंगे। मैं भक्तों से कहीं भी आ, मेरे भक्तों को कहीं भी भय नहीं। उन लोगों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय होता है, भगवान का भक्त कभी जन्म नहीं लेता, न कभी मरता है, न कभी रोग है, न दुख है, कुछ नहीं होता। तो आप लोग कहेंगे कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, भक्त का जन्म क्यों होगा? अजन्मा का कभी जन्म होता है क्या? नहीं होता है। आप लोगों का कभी जन्म नहीं हुआ है? आप लोगों का जन्म हुआ है? हुआ है। कि जन्म शरीर का होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। हमारा जन्म कभी होता है ना, हमारा कभी मृत्यु होता है। आप लोगों का मृत्यु कभी होगा? आप लोग मरेंगे कब? नहीं ना, चिंता मत कर, कोई मरेगा, भ्रम झूठ मूठ पड़े। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि तुम मरेगा पशुबुद्धि निमानते है। जो कहता है कि मैं मरूंगा उसको आदमी मत कहना, पशु है। हम मरते ही नहीं, न हमारा जन्म है, न मृत्यु है, न जन्म जरा है, न व्याधि है, हमारा नहीं है, शरीर का है। हम यदि अपने को शरीर मानेंगे तो हम मरने वाला होंगे, जन्म देने वाला होंगे, हमारा बुढ़ापा होगा। हम लोग कभी बूढ़ा नहीं होते, ना हम कभी मरते। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, कुछ नहीं। आत्मा आत्मा अज्ञानता के कारण ही एक में द्वैत बुद्धि हो गया। भक्त मेरे प्राण का प्राण, मन का मन, सर्वस्व का सर्वस्व, प्राण से भी प्रियतर, क्योंकि तू अनुक्षण मेरा नाम रखता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझको प्राप्त करने के लिए न मैं वेद से मिलता हूँ, न तपस्या से मिलता हूँ, न पूजा करने से मिलता हूँ, न तीर्थाटन करने से मिलता हूँ। अरे संतुष्ट्यामि द्विजश्रेष्ठ यथा नामना प्रकीर्तिना। मैं नाम संकीर्तन करने से जितना जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, उतना वेद पढ़ने से नहीं, तपस्या करने से नहीं, यज्ञ करने से नहीं, तीर्थाटन करने से नहीं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु कहते थे, क्षण क्षण कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान। एक बार कृष्ण नाम ले लो और समस्त भूमंडल के तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त हो। एक बार नाम लो और समस्त वेदों का पढ़ने का फल मिलता। मेरा नाम मैं नाम संकीर्तन से जितना संतुष्ट होता हूँ, ऐसा निखिल वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञ, तीर्थाटन से भी संतुष्ट नहीं होता हूँ।